फिल्म आ रही है त्रिशक्ति, इसमें तीन हीरो हैं। कैसा लगता है जब एक साथ तीन बड़े अभिनेता काम करते हैं? काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है, क्योंकि एक तो तीनों जो एक्टर्स हैं इस फिल्म में, तीनों एक ही एज के हैं और काफ़ी हमारा रैपो अच्छा बन चुका है, तो काफ़ी हम लोग ने ऐसे कहा जाए कि ऐश की सेट पे। क्या इसमें थोड़े से कंपटीशन का आभास होता है? नहीं, क्या है, वो कंपटीशन वगैरह तभी होती है जब एकदम बड़े स्टार बनने के बाद फिर एक दूसरे का रोल काटने बैठने के चक्कर होते हैं शायद, लेकिन अभी हम लोग तो हमारी शुरुआत है एंड एवरीबडी इज़ लाइक ट्राइंग टू मेक बिग, तो ऐसे तो मुझे लगता नहीं कोई कंपटीशन है। इस फिल्म का ऐसा कौन सा सीन है जो आपको लगता है कि वो आपके लिए यादगार है? इस फिल्म में एक ट्रू लोकेशन पे शूट किया हुआ सीक्वेंस है धोबी घाट में, वो मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि एक्चुअली उस लोकेशन में बहुत बड़ा क्राउड होता है, मतलब इन रियलिटी एक 5-6 हज़ार लोगों का मॉब होता है वहाँ, उसमें जाके वहाँ जहाँ चलना भी मुश्किल है वहाँ जाके हमने एक पूरी फाइट शूट की है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस। मिलिंद, इस फिल्म की लोकेशंस इंटरेस्टिंग हैं या इसकी फाइटिंग? नहीं, वो जो फाइट थी वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब वो जो माहौल है जहाँ धोबी वो कपड़ा धोते हैं वो सब उनके वाटर के टैंक्स है, उसमें मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उनको उठा के हम फेंकते हैं और वो बहुत अच्छा लिया हमने, बहुत अच्छी फाइट है। मिलिंद, आपकी पहली फिल्म थी फरेब, वो आपके लिए क्या मायने रखती है? नहीं, मुझे तो लगा नहीं था, ऑफकोर्स जो भी मैंने किया था फरेब में सिंसियरली किया था, तो लगता है कि सिंसियरली आप अगर कुछ करते हैं तो उसका फल मिलता है वैसे ही, एंड मुझे लगता है कि मैं लकी भी हूँ थोड़ा बहुत कि वहाँ नसीब का भी काफ़ी हाथ होता है। फिल्म चल पड़ी, एक बार फिल्म चलती है तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं और फिर आपके काम की अप्रिसिएशन होती है, तो वैसे हुआ, सो आई फाइंड माई सेल्फ लकी ऑल्सो। फरेब की सफलता के बाद आपको किस तरह के रोल्स के ऑफर मिले और आपने क्या चुना? नहीं, इंटरेस्टिंगली इनफ फरेब का मतलब जो रिलीज़ होने से पहले प्रोमोज आने लगे थे उसमें मेरा गाना था ये आँखें तेरी आँखें झुकी झुकी, तो उसके बाद जो मेरे पास फिल्में आई उसमें से 90% फिल्में हीरो की थी, मतलब फरेब में तो मैं निगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा था, एंटी हीरो था, लेकिन जो फिल्में आई वो पूरी सब पॉजिटिव मेन लीड की आई, हार्डली एक हाथ दो फिल्में होंगी जो उस टाइप की थी निगेटिव कैरेक्टर वाली, तो मैंने दोनों भी टाइप की फिल्में साइन की, ज़्यादातर पॉजिटिव की क्योंकि ये परसेंटेज वाइज बहुत कम आई थी निगेटिव कैरेक्टर्स वाली, लेकिन जो भी फिल्में मैंने साइन की उसमें कैरेक्टर सेंट्रल और पावरफुल है ऐसा मतलब देख के मैंने चूज़ किया। मिलिंद, आपको किस तरह की भूमिकाएं निभाना पसंद है? जैसे मैंने कहा कि जो भी फिल्म में एक सेंट्रल स्ट्रांग कैरेक्टर है चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, जनरली मेरे पास काफ़ी ऐसे रोल आए हैं जिसमें पॉजिटिव निगेटिव शेड्स का मिक्सचर है, वो टाइप के कैरेक्टर सूट करते हैं मुझे करने में मज़ा आता है। मिलिंद, आपकी एक फिल्म आने वाली है गॉड मदर, जिसको अभी कई नेशनल अवार्ड मिले हैं, इस फिल्म की कहानी क्या है? इसमें कैरेक्टर मेरा ये है कि एक गरीब आदमी उसकी फैमिली के साथ अकाल के कारण खाने पीने का प्रॉब्लम होने के कारण गांव से शहर आता है, शहर में उसे कुछ नौकरी मिलती है और उसमें मिल में नौकरी करता है और उसके साथ उसका भाई भी नौकरी कर रहा है, वहाँ कुछ निगेटिव एलिमेंट्स उसके भाई को सता रहे हैं और उसकी जाति के ऊपर से गाली देते हैं, ये सुनकर वो उसके भाई को बचाने जाता है, उसमें वो निगेटिव एलिमेंट जो गुंडा है वो मरता है, उसके कारण उसे भागना पड़ता है, एंड देन ही बिकम्स अ डॉन हिमसेल्फ, उसे ये मालूम भी नहीं पड़ता इतनी जल्दी वो एक बहुत बड़ा डॉन हो जाता है और पॉलिटिशियंस उसे सहारा देते हैं एंड उसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसको लगता है कि वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, बाद में जब उसको पता चलता है कि कुछ इनोसेंट लोग भी उसके हाथों मारे जा रहे हैं तो वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ जिसका काम शबाना जी ने किया है वो उसे समझाती कि तू ऐसा मत कर, उससे अच्छा है कि कांधलिया की कसम खा और ये इनोसेंट लोगों को सताना वगैरह सब बंद कर दे और वेपन को हाथ मत लगा, वैसे वो करता है लेकिन उसमें उसका इम्पोर्टेंस कम हो जाता है और पॉलिटिशियंस उसे मार देते हैं और बाद में फिर उसकी वाइफ जो है शी टेक्स ओवर, मतलब इस टाइप का वो इसकी स्टोरी है। शबाना आजमी के साथ काम करके आपको कैसा लगा? नहीं, वो मतलब एक तो बहुत मंझी हुई आर्टिस्ट है और बहुत डिटेल में जाके काम करने की उनकी आदत है, मतलब छोटे छोटे जो न्यूएंसेस है वो उनकी एक्टिंग में आपको दिखाई देंगे और काफ़ी मतलब आई थिंक शी स्टडीज़ द रोल वेरी वेल, शी गोज़ रियली डीप इनटू इट एंड हम लोग ने जब ये फिल्म की शूटिंग की थी उससे काफ़ी पहले, मतलब हम हमारी स्क्रिप्ट लेके उस पर थोड़ी रिहर्सल्स भी की थी और उसका काफ़ी इफेक्ट आपको इसकी स्क्रीन में मतलब स्क्रीन पे जब आएगी उस पर दिखाई देगा। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं?
अभी ये तो फिल्म है त्रिशक्ति, 30 जुलाई को रिलीज़ है। गॉड मदर शायद जुलाई एंड अगस्त तक आ जाएगी। फिर एक फिल्म है मेरे अपने, एक मुलाकात करके फिल्म चल रही है, अग्निपुष्प चल रही है, अभिसार चल रही है, 4-5 फिल्में आ रही हैं। और मिलिंद गुनाजी साहब, सुबह सवेरे हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। धन्यवाद।